हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ गूगल सेटिंग के बारे में। ईमेल आईडी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसकी सेटिंग के बारे में कोई नहीं जानता। तो आइए मैं बताने वाला हूँ वो सेटिंग आप कर लेंगे तो हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सेटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? अपना ये प्ले स्टोर ओपन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ये अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर ये ईमेल आईडी का आइकन दिख रहा होगा, जो प्रोफाइल पिक होती है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी दिखेगी और हमारा नाम दिखेगा। नाम के नीचे दिखता है गूगल अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं वो सेटिंग करूँगा। नीचे आपको दिख रहा होगा चार ऑप्शन, अकाउंट, सर्च, हेल्प और मेनू का। तो मैं चौथे ऑप्शन मेनू पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये होम में तो हम लोग थे ही, मैं चला जाता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नेम, बर्थडे, जेंडर, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट, ईमेल और यहाँ नीचे शो हो रहा है फ़ोन और चूज एन अदर सी। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर कुछ भी आप गड़बड़ी है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एंड पर्सनलाइजेशन का। उस पर हम लोग क्या सेटिंग कर सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं, एक्टिविटी कंट्रोल यहाँ से हम लोग खुद कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए जैसा कि मैं गूगल क्रोम पे कुछ भी वर्ड सर्च कर रहा हूँ, वो वर्ड दोबारा हिस्ट्री में ना दिखे, वो कहाँ से बंद करें। बंद करने के लिए हम लोग ये सबसे पहले वाले ऑप्शन बेव एंड ऐप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, ये अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनेबल है। हमको इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा ऐसे ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पॉज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैग में चले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पॉज हो गया। अब ये मेरी कुछ भी वर्ड में सर्च करूँगा वो हिस्ट्री में नहीं लाएगा और सेव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लोकेशन हिस्ट्री। इसको भी मैं पॉज कर दूंगा। पॉज करने के लिए उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर ये जहाँ देख सकते हैं लोकेशन हिस्ट्री, ये इनेबल है। यहाँ डिसेबल पे क्लिक करेंगे डिसेबल करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लेंगे ड्रैग करके, पॉज पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये भी डिसेबल हो गया और पॉज हो गया है। उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप यूट्यूब हिस्ट्री का। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बंद कर देंगे। यूट्यूब हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको भी डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप जो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का न्यू साइनिंग इन एंड्रॉयड, ये मेरी एंड्रॉयड में साइनिंग हुई है और साइनिंग डेट और सब कुछ यहाँ शो होगा। कहाँ पे साइनिंग हुई है, लोकेशन यहाँ पे बताएगा मोबाइल की, जो जीमेल आईडी मैंने डाल रखा है। उसके बाद साइनिंग टू गूगल, पासवर्ड यहाँ पे बता रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है यूज़ योर फ़ोन टू साइनिंग। हम लोग यहाँ से ईमेल आईडी डाल के साइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब ईमेल डाल के साइनिंग कर लेंगे फिर मोबाइल नंबर आता है स्टेप टू में। फिर यहाँ पर अपना इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा आईडी का पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगी हमारे मोबाइल पे, वो ओटीपी हम डाल देंगे तो ये अपना सेटिंग हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैसा कि रिकवरी फ़ोन मेरा नंबर यहाँ पर डाल रखा है। उसके बाद रिकवरी मेल हमने यहाँ पर नहीं डाला है। डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी फ़ोन या मेल इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का रिकवरी मेल करके आ जाएगा, एडेड रिकवरी मेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना रिकवरी जिस पे हम लोग पासवर्ड फॉरगेट करने के, जो हमारा पासवर्ड कहीं भूल जाएंगे और हमको याद नहीं रहेगा तो वो पासवर्ड लाने के लिए फॉरगेट करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, एक रिकवरी मेल डाले रहेंगे तो जब फॉरगेट करना होगा तो फॉरगेट ऑप्शन जाएगा। उसके बाद रिकवरी मेल पे एक मैसेज आती है, वो मैसेज हम लोग जब डालेंगे तो वहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाता है। हम लोग आसानी से दूसरा पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी का। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल लेंगे। डालने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे रिकवरी मेल पे हमारा रिकवरी मेल शो होने लगेगा। और यहाँ देख सकते हैं करंटली यू आर करंटली साइनिंग टू योर गूगल अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, ये मेरा रियलमी 7 में इस समय लॉगिन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, पीपल एंड शेयरिंग का आता है, और पाँचवा जो ऑप्शन है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेमेंट मेथड, अगर मैंने किसी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है या डेबिट कार्ड से किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज पेमेंट मेथड पे, और वो दिखा देगा हमारा क्रेडिट कार्ड हमने कौन सा यूज़ किया है। तो देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई भी कार्ड यूज़ नहीं किया है पेमेंट मेथड में, तो यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है। हम बैक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है गूगल पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस इस पर भी नहीं है हमारा। और फिर अगला ऑप्शन आ जाता है परचेस का, हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज नहीं किया, तो यहाँ पे भी कोई नहीं दिखाएगा। फिर आ जाता है अगला स्टेप सब्सक्रिप्शन, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन का देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से हमने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई है, तो मैं दिखा दूँ ओपन करके, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। यू डोंट हैव एनी सब्सक्रिप्शन, हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई है। और नीचे करेंगे यहाँ रिजर्वेशन, मैंने कोई भी टिकट होटल फ्लाइट कुछ भी बुकिंग नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ओपन जब करूँगा मैनेज रिजर्वेशन पे, तो यहाँ पे नॉट फाउंड बताएगा। अगर आप लोग किए रहेंगे तो यहाँ पे वो शो होने लगेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ऑल पे प्रेस करें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।